सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो ब्लैकमेलर है वो अपनी ब्लैकमेलिंग को फंसाने के लिए किस तरीके से ये खेल खेलता है, जिसमें कि आप सब लोग फंस जाते हैं और उसके बाद जो है आपसे जो रकम मांगी जाती है कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं। तो जिनके पास ऐसा ये खेल होता है तो वो होता कैसे है, किस तरीके से आपको फंसाया जाता है, किस तरीके से आप इस ब्लैकमेलिंग के स्कैम के शिकार हो जाते हैं, तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप सब लोग समझ सकें जो ब्लैकमेलर है वो कितना बड़ा गेम आपके साथ में खेलता है और किस तरीके से आपको इन झांसे, ये जो वीडियो कॉल का जो झांसा है वो देकर आपको फंसाता है। तो बहरहाल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से कोई भी एक लड़की है, जो मैंने काफ़ी जगह एक उसकी एक फ़ोटो लगा रखी है, जिसके द्वारा जो है आपको आपके साथ स्कैम किया जाता है और आपको उस स्कैम में फंसाया जाता है। कोई एक लड़की के नाम से हो सकता है कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको फेसबुक से आई हो सकता है कि वो किसी भी मैट्रिमोनियल साइट से आई हो, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट से भी ये केस बढ़ रहे हैं, मेरे सामने आ रहा है कि सर मैंने संगम मैरी.com, जो संगम नाम से .com नाम से एक ऐप है, यानी कि वेबसाइट है, जिसपे कि जो एक दूसरे के लिए मैच देखते हैं, मतलब अगर आप एलिजिबल हैं कि आप शादी करना चाहते हैं तो वहां पर आप रजिस्टर करके उस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे कई शादी के लिए वेबसाइट्स हैं जिस पर कि लोग उस पर रजिस्टर करते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं और ये सब चीज़ें किसी न किसी प्रकार से उस ब्लैकमेलर के पास पहुंचती हैं, तो वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद जो है आपसे किसी प्रकार से कॉन्टेक्ट करने के बाद आपके वीडियो कॉल यानी कि व्हाट्सएप तक आ जाता है। दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास ये मैसेंजर यानी कि फेसबुक पर एक अननोन नाम से, लड़की के नाम से कोई बनाएंगे आप, अगर आप लड़का हैं तो आपके आपको एक अननोन लड़की के नाम से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसमें कि आप जिसको कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद जो फिर आपसे मैसेंजर पर बात, मैसेंजर से व्हाट्सएप पर पहुँचेंगे। इस तरीके की कई तरीके हैं, मतलब जिस तरीके से आपके पास में ये ब्लैकमेलर आ सकते हैं। अब आने के बाद सबसे पहले इनका काम क्या होता है, आपके बारे में जानकारी हासिल करना, वो जानकारी जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि जो आप किसी और को नहीं बताना चाहेंगे लेकिन आप वहाँ पर जो है उसको बता देते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप पूरा बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, कितना कमाते हैं बता देते हैं, मैं इतना कमाता हूँ, आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ आप बता देते हैं, वही चीज़ आप उससे पूछते हैं। देखिए आप तो अपनी बात जेन्युइन बताते हैं, मतलब जो आपको रियल आपकी है वो बताते हैं, क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आप गलत नहीं है इसलिए। लेकिन दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपको किसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग का झांसा देकर, यानी कि लड़की का झांसा देकर जो है आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, फंसा रहा है उसको, उसका मन फंसाना है, तो वो जो है वो आपको झूठी जानकारी देगा। हो सकता है कि जो लड़की जो है वो ये बताए कि मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, वो ये बताए कि मैं मतलब विडो हूँ, मतलब विधवा हो गई हूँ और मेरी अभी उम्र नहीं है, 26-27 साल हुई है, 2 साल पहले शादी हुई है मेरी, मेरा हस्बैंड खत्म हो गया, एक्सपायर हो गए, तो आपको भी इस पर रहम आएगा और आप उस पर उससे बात करना पसंद करेंगे। लेकिन ये रहम जो है वो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा कर देगा कि आपके ऊपर कोई और दूसरा रहम करना शुरू कर देगा कि बताओ कितना बुरा हुआ आपके साथ में। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद जो ऐसी आपको जानकारी बताई जाएगी, उसके बाद जो है एक लड़की एक आपसे बात करेगी, बात करने के साथ साथ में आपसे जानकारी लेगी, वहीं पर जो है आपसे किसी प्रकार से वीडियो कॉल के लिए आपको बताया जाएगा कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं रोमांटिक मूड में हूँ और आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप भी रोमांटिक बातें करें। तो लड़का है तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि वो अपने जज्बातों पर किसी प्रकार से मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो भी सोचता है कि चलो ठीक है फ्रेंड है तो बात करना शुरू करते हैं, लेकिन वो फ्रेंड जो वो आपको कितना खतरनाक बन सकती है ये आपको अभी अंदाज़ा नहीं है, बाद में बदलता है। उसके बाद जो वो एक आपको किसी प्रकार से जो वीडियो होता है, वीडियो कॉल जब होता है तो पहले तो आपको वो दिखाया जाता है कि जो कि आप उसको सोचोगे कि पता नहीं कहाँ कैमरा लगा रखा है, दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद जो है उसमें एक लड़की आपको सामने बैठेगी और बैठने के बाद जो है वो आपने धीरे धीरे कपड़े जो है वो उतारना शुरू कर देगी। जैसे ही उतारना शुरू कर देगी उसके बाद जो वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी और कुछ देर आपसे कहा जाएगा कि मम्मी आ गई है, मैं बाद में बात करूंगी और उसके बाद जो है एक फिर तो कुछ ही मिनट्स बाद जो है दोबारा से वीडियो कॉल आता है और स्टार्ट, क्योंकि अब जो है आपका वो मूड बना दिया गया है
क्योंकि आपको जो लालच लग गया कि अरे लड़की है सामने कपड़े उतार रही, तो मैं अभी देखेंगे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वो जो है वो मूड आपका बन चुका है। अब जो है सामने जैसे ही आप वो वीडियो कॉल आएगा तो आप भी पहले से तैयार होंगे कि मुझे भी उसको देखना है, तो आपसे पहले देख कर दिया कि आप तुम भी कपड़े उतारो या फिर बाथरूम या वॉशरूम में ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम्हें कोई नहीं देखता हो। उसके बाद जब ये आप ये चीज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिकेट आपको पहले कर दिया कि वो लड़की है, और लड़की जो है वो ये अपना जो है दिखाने वाली है, और उसको देखने के लिए जरूरी है कि हमको एकांत में जाए सही गहरा, तो जो है वो व्यक्ति जो है वो आपको सीधी सीधी जो वो थोड़ी देर बाद जो आपसे ये कहा जाएगा, तो फिर उसके बाद आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर ना आपको कोई देखता हो, और फिर जो है वीडियो कॉल का खेल स्टार्ट होता है, और उस खेल में जो है आपसे आपका पूरा बॉडी पार्ट्स जो है आपके देख लिए जाते हैं और उसको कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद जो है फिर आपको उस वीडियो के माध्यम से जो है जो वीडियो बना है अभी उस वीडियो के माध्यम से आपको आपको आपसे पैसा मांगा जाएगा, आपसे आपको ये धमकी दी जाएगी उस वीडियो को बताइए इसे वायरल करना है अपलोड करना है। कुछ ऐसे जीत जगह हैं, कुछ जैसे कि कुछ साइट्स हैं जहां पर अपलोड कर दी जाती हुई है, कुछ की नहीं की जाती हैं, कुछ पैसा दे देते हैं सिर्फ इस डर डर की वजह से, कुछ नहीं देते हैं पैसे, तो कहीं पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको धमका ज़्यादा डरा जाता है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह पर उसको अपलोड या वायरल कर देंगे, जिसकी वजह से डरने की वजह से जो है वो लोग जो है जो इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं वो पैसा दे देते हैं, और पैसा भी छोटा मोटा नहीं, कुछ लोग भारी भरकम रकम भी दे देते हैं, बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग के शिकार हो गए। हालांकि इन पर शिकंजा कसा जा रहा है लगातार, मैं आपको वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि हाँ यहाँ पे अरेस्टिंग हुई भी लगा, अभी जस्ट नोएडा में ये अरेस्टिंग हुई थी ब्लैकमेलर्स की, तो मैंने उस वीडियो बनाया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये उसके बाद जो है फिर आपके पास कई प्रकार के फोन कॉल्स भी आएंगे, आपको बताया जाएगा कि मैं CBI क्राइम ब्रांच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है अपलोड हो रहा है, तो ऐसी कई जगह से आपके पास में कॉल्स आएंगे, और जिससे कि जिसके बाद जो है वो आपसे उनका सीधा जो टारगेट होगा वो यही होगा कि पैसा पैसा आपसे लेना बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आपसे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पैसा बिल्कुल भी ना दें, पैसा अगर आप देंगे तो उनका लालच बढ़ेगा और आपको लगातार और टॉर्चर किया जाएगा, जिससे कि आप हो सकता है कि कुछ लोग गलत स्टेप भी ले लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं जो फेसबुक फ्रेंड हैं यानी कि उसकी मैं फेसबुक लिस्ट में है जो फ्रेंड लिस्ट में है उसमें भी कुछ लोगों को शेयर कर दिया जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर आपके साथ में हो रही हैं तो पैसा तो आप बिल्कुल भी ना दें, अगर आप पैसा देंगे तो डेफिनेटली आप और कहते हैं ना कुत्ते को हड्डी डालने का काम आप कर रहे हैं कि वो और आपको काटेगा और आपको भोंकेगा, तो बेहतर है कि आप बिल्कुल पैसा तो बिल्कुल भी ना दें। अब रास्ता आता है कि अब हम करें कैसे ऐसे समय पर, तो देखिए आपको जरूरी है कि आप इस तरीके इस समय पर कानून की सहायता लें, कानून की अगर आप हेल्प हेल्प लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस इन चीज़ों से बच जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या समस्या प्रॉब्लम नहीं आएगी सामने। तो आप मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी या फिर हम हमसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कॉल करें तो आप विश्वास के साथ में करें, अगर आपको विश्वास है तभी आप हमें कॉल करें, विश्वास नहीं है तो आप हमको कॉल ना करें, अदरवाइज जो आप गलत हमसे सवाल पूछते हैं तो वो हमें सवाल पसंद नहीं है, तो ना हमें हमारा समय खराब करें ना आप अपना समय खराब करें, और विश्वास के साथ अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आपने तो आप सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।